दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड का जो हमारा करंट फाइनेंशियल चल रहा है 2022-23, अब वो एंड होने की कगार पे है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो लास्ट मंथ है मार्च मंथ, वो बहुत ही जल्दी अब स्टार्ट होने वाला है। और इस मार्च मंथ में अकाउंटेंट लोगों की अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड जो लाइबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस मार्च मंथ में अकाउंटेंट लोगों को दो टाइप के वर्क करने होते हैं। पहला भी एक तो हमने अप्रैल से लेके और फरवरी मंथ तक यानी कि लास्ट के 11 महीनों में जितना भी हमने कंपनी की अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर उसके टैक्सेशन वर्क से रिलेटेड जितना भी वर्क किया है उन सभी काम का हमें एनालिसिस करना होता है। और दूसरा भी कंपनी के अंदर टैक्स सेविंग के पर्पज से जो भी हमें प्लानिंग करनी होती है वो भी मार्च मंथ के अंदर ही करनी होती है। तो ऐसे के अंदर अकाउंटेंट लोगों का ये मार्च मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो यानी कि आपने किसी कंपनी में जॉब की शुरुआत है जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में करी थी और आप पहली बार किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट से जो क्लोज करोगे, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको मार्च मंथ के अंदर ही फॉलो करने जरूरी हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होंगे जो अगर हमने टाइम रहते हुए कर लिया यानी कि मार्च मंथ के अंदर ही कर लिया करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने इन सभी पॉइंट्स को मार्च मंथ के अंदर फॉलो नहीं किया तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और जो इसके जो असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर जो वर्क रहेंगे, जैसा कि कंपनी की टैक्स ऑडिट से रिलेटेड वर्क है या फिर कंपनी का जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न से जो हमारे वर्क रहेंगे, आईटीआर से रिलेटेड जो हमारे वर्क रहेंगे, उसमें आपको दिक्कतें भी आएंगी, प्लस हो सकता है आपकी कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी भी लग सकती है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सभी 10 पॉइंट को आपको फॉलो इस मार्च मंथ के अंदर जरूर करनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों डिस्कस करने के लिए हमारे पास पूरे 10 पॉइंट हैं, यानी कि इसके अलावा काम और भी होंगे लेकिन ये 10 ऐसे काम है जो हमें मार्च मंथ के अंदर करने जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट काम है जो हमारी मार्च मंथ के अंदर एडवांस टैक्स की जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट आनी है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये फाइनल इंस्टॉलमेंट होती है फाइनेंशियल ईयर की मार्च मंथ के अंदर जो आती है। अब उस मार्च मंथ के अंदर जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भी प्रॉपर हमें जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर जो नेट प्रॉफिट है, अब उसका एनालिसिस हमें अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि हम कह सकते हैं भी हमने लगभग 11 महीनों की अकाउंटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, हमारे परचेज के रिकॉर्ड, सेल के रिकॉर्ड हमने प्रॉपर मेंटेन है जो कर लिए हैं, तो अब हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास मोटा मोटी हम कह सकते हैं भी एक महीना ही बचा हुआ है। 31 मार्च क्लोज होने के बाद हम एक फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 है जो कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी असेसमेंट ईयर की जो तैयारी है जो करनी स्टार्ट कर देंगे। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए हम कह सकते हैं भी प्रॉपर हमें कंपनी के जो लास्ट ईयर हमने कितना रेशियो मेंटेन किया था ग्रोस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, क्या हमारा स्टॉक स्टेटमेंट है, उस सभी की कैलकुलेशन हमें मार्च मंथ के अंदर करनी पड़ेगी 15 मार्च से पहले पहले, क्योंकि 15 मार्च जो हमारी इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट होगी। तो इसके लिए हमें प्रॉपर परचेज की, सेल की और जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, कितने आपने लास्ट ईयर के अंदर खर्चे मेंटेन किए थे, क्या आपका इनकम का रेशियो था, तो वो सारा हमें एक बार चेक करना पड़ेगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को लेके। दूसरा काम भी, अब कई बार ऐसा होता है भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लास्ट 2 सालों, 3 सालों से, 4 सालों से हमारे पास किसी की पार्टी का क्रेडिट बैलेंस है जो कंटिन्यू आ रहा होता है, तो हमें वो भी देखना है भी किसी ऐसी पार्टी का भी कोई क्रेडिट साइड का, हम कह सकते हैं भी सेंडरी क्रेडिटर में कि ऐसी पार्टी का या फिर अनसिक्योर्ड लोन के अंदर कंटिन्यू ऐसा बैलेंस, एक ही बैलेंस है जो बारी बारी आपके सामने कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो हमें रीपेमेंट के साथ करनी पड़े चाहे कुछ इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ हमें करना पड़े। तो यानी कि लास्ट 3 ईयर का, अगर कोई 2 साल का है कोई दिक्कत नहीं है, अगर लास्ट 3 सालों से एक ही पार्टी का बैलेंस लगातार फॉरवर्ड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसको हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको देख लेना है भी ऐसी कोई भी पार्टी रहने गई हो जिसका बैलेंस आपका कंटिन्यू आगे चलता आ रहा हो लास्ट 3 ईयर से। तीसरा इंपॉर्टेंट काम हमारा रहेगा
टीडीएस या फिर टीसीएस की टैक्स की लाइबिलिटी को लेके। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा भी हमारी कंपनी की कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने की कोई लाइबिलिटी तो नहीं बनती थी। चाहे अगर हम बात करें भी परचेज के ऊपर हमें किसी का टैक्स है जो डिडक्ट करना था, टीडीएस है जो 94Q के अंदर, या फिर हमने किसी ऐसे कस्टमर के साथ कोई डील कर रखी हो जिसके 50 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर कर चुकी हूँ, उसका हमें टीसीएस जो कलेक्ट करना था, तो वो भी उस टाइप के लेजर को हमें देखना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा हमने सेल जिन जिन कस्टमरों को करी है। अगर आपकी कंपनी की 10 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी परचेज के ऊपर टीडीएस जो डिडक्ट करने की। दूसरा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो सबसे पहले हमें जो हमारे जीएसटी के लेजर हैं SGST, CGST या फिर IGST के, तो वो उनको हमें बुक्स के साथ ऑनलाइन पोर्टल के उनका जो बैलेंस है वो भी हमें जरूर वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो आपका सेल के ऊपर डिपेंड करेगा और जो आपका ITC आपने कितना लेना है वो आपका डिपेंड करता है आपकी परचेज के ऊपर। तो इसके लिए हमें प्रॉपर सारी सेल आपने 11 मंथ के अंदर जितनी करी है, क्योंकि हम कह सकते हैं भी फरवरी मंथ की GSTR1 और GSTR3 भी ऑलमोस्ट है जो क्लियर हो चुकी है, तो अब हमारा 11 महीने का डाटा पूरा हम सेल और परचेज का डाटा हम पोर्टल के साथ मैच कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा भी अगर आपने ITC मैच कर लिया तो इसका आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा भी आपके कोई ऐसे इनवॉइस पेंडिंग नहीं है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी उसकी आपको एंट्री करनी है। तो इसके लिए आपको CGST, SGST और IGST का जो भी बैलेंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है, यानी कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ रहा है, क्या उतना बैलेंस ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल पर भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हमें उसको मार्च मंथ के अंदर ही क्लियर करना पड़ेगा। तो ये भी आपको एक बार रिटर्नों के साथ इस अपने डाटा को जरूर वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आपके जितने भी सप्लायर्स हैं यानी कि जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, तो उन सभी का लेजर हमें पार्टी के अकाउंट स्टेटमेंट के साथ है जो मैच कर लेने जरूरी है फरवरी मंथ तक के, ताकि हमें पता चल जाए भी कोई ऐसी पेमेंट या ऐसा कोई इनवॉइस जो रह न गया हो या गलती से कोई दो बार हमारे से एंट्री नहीं होगी हो। तो स्टेटमेंट अगर मैच करेंगे तो हमें अगर इस टाइप की कोई गलती होगी या पेमेंट से रिलेटेड या फिर कोई क्रेडिट नोट से रिलेटेड, कोई डेबिट नोट से रिलेटेड या कोई परचेज इनवॉइस से रिलेटेड, तो वो हमें इस पार्टी के स्टेटमेंट के साथ है जो मैच करने के बाद पता चल जाएगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो हमें बैंक स्टेटमेंट भी जरूर वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि अगर हमारा बैंक स्टेटमेंट मैच हो गया तो इसका मतलब जो हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी थी वो सारी की सारी हमारी जो मैच हो जाएगी, और बैंक स्टेटमेंट मैच करने के बाद हमारी जो कैश इन हैंड की जो पोजिशन है वो भी अच्छी तरीके से क्लियर है जो हो जाती है। और उसके बाद के अंदर 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो आपके पास में स्टॉक और कैश इन हैंड आपको भी चेक करना है भी आपका कोई भी स्टॉक या कैश इन हैंड भी साल के दौरान किसी भी डे के अंदर नेगेटिव ना हो, यानी कि माइनस के अंदर इसका बैलेंस है जो न गया हो। तो कैश इन हैंड भी आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और स्टॉक को भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और 8 नंबर पॉइंट की बात करें एक्सपेंसेस की डिटेल, यानी कि अब एक्सपेंसेस की डिटेल यानी कि कुछ ऐसे खर्चे अगर उसके ऊपर कोई RCM के प्रोविजन लागू हो रहे हैं, एक्सपेंसेस तो हमने कर दिया बट उसके ऊपर हमने RCM है जो नहीं डिपॉजिट करवाया, तो हमें वो सारे को देखना पड़ेगा और उसका RCM हमें मार्च मंथ के अंदर जो कंप्लीट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा एक्सपेंसेस जैसे हमने किसी को ब्रोकरेज दी हो, कोई कमीशन दिया हो, कोई इंटरेस्ट दिया हो, तो जिसके ऊपर हमें हमारी कंपनी की TDS है जो डिटेक्ट करने की लायबिलिटी बनती थी खर्चों के ऊपर, तो वो खर्चों के ऊपर हमने TDS है जो प्रॉपर डिटेक्ट किया है या नहीं किया, किया तो सही परसेंटेज के साथ किया है या नहीं किया, तो उसको भी हमें एक बार जरूर है जो वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो TDS हमने प्रॉपर जमा करा दिया या नहीं करा दिया तो उसके भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये ऐसे कुछ वर्क है जो हमें करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसको क्लियर कर देने जरूरी है, अदरवाइज ये आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे और आगे जाके आपको जमा कराना पड़ेगा तो आपके ऊपर पेनल्टियां भी लग सकती है, इंटरेस्ट भी आपको डिपॉजिट कराना पड़ सकता है। और पॉइंट नंबर 9 की हम बात करें तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के अंदर जो हम टैक्स सेविंग के पर्पज से जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि हमने कोई LIC है, कोई मेडिकल, कोई प्रीमियम है, NPS है या कोई अदर ऐसी कोई भी डिडक्शन जो हमने टैक्स सेविंग पर्पज से हम कंपनी रूटीन के अंदर जमा करवाती है, तो वो हमें मार्च मंथ के अंदर जमा करवाने जरूरी है उनकी इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी हम भूल जाते हैं और उसका हम अप्रैल मंथ में जमा कराते हैं तो उसका बेनिफिट हम करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर उसका नहीं ले पाएंगे।
तो इसका बेनिफिट हमें आगे वाले ईयर्स के अंदर हमें मिलेगा। तो ये हमें जरूर देखना होगा भी जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है जो रेगुलर रूप से चल रही है, यानी कि हम लगातार उनको लास्ट ईयर से भी करवाते आ रहे हैं, तो इसको हमें मार्च मंथ के अंदर जरूर वेरीफाई कर देना भी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर हमने डिपॉजिट करवा दी या नहीं करवा दी। करवा दी तो उसकी हमें एक कॉपी हमारे पास होनी जरूरी है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है न्यू इन्वेस्टमेंट है फॉर टैक्स सेविंग के पर्पज से। अगर आपका लग रहा है आपने कंपनी के अंदर कोई इससे पहले आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी टैक्स सेविंग पर्पज से, और आपने इस बार देख लिया भी आपकी कंपनी का टैक्स बन रहा है, तो आप टैक्स को बचाने के इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की भी आप प्लानिंग है जो कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास है जो मार्च मंथ का पूरा महीना पड़ा है, और इस महीने के अंदर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी में इंश्योरेंस के अंदर, कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस में या कोई एनपीएस स्कीम के अंदर या किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर जहां पर हम इनकम टैक्स की डिडक्शन है जो ले सकते हैं, तो उसके अंदर आप है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये हमारी नई इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या रेगुलर जो पुरानी हम कंटिन्यू उसको यूज करते आ रहे हैं, हर साल हम इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये क्या नई इन्वेस्टमेंट है। अगर कंपनी का टैक्स हमें बचाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट है जो करनी पड़ेगी, तो हमारे पास टाइम रहते हुए हम इसका काम है जो कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम है जो हमें मार्च मंथ के अंदर कंप्लीट करने जरूरी है। कोई भी आकर आपका काम है तो ये इस काम का अगर कोई भी हमारे इस 11 महीनों के अंदर हमारी कोई भी मिस्टेक हुई है, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो इसका सारा का सारा जितनी भी क्वेरी है वो हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो क्लियर हो जाएगा। अब इससे होगा फायदा क्या मिलेगा, आने वाले टाइम के अंदर जब हम इसकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो टैक्स ऑडिट करवाएंगे तो हमारा डाटा बिल्कुल सही जाएगा, और जीएसटी की एनुअल रिटर्न हम फाइल करेंगे 9 या 9C की हम बात करें तो वहां पर भी हमारा रिकॉर्ड है जो प्रॉपर एक्चुअल ही जाएगा। तो वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अकाउंटेंट लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी आप जरूर कर लेना।